गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10th वेक्टर अलजेब्रा. एनसीईआरटी बुक से है ये चैप्टर. कंपैरेटिवली आपको इजी लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप फिजिक्स में भी वेक्टर से रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है. बाकी ऐसा है कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं. तो पहले जैसे कि एज़ यूजुअल हम चैप्टर्स में जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ हम बेसिक टर्म्स से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर को लेके आते हैं. ये हमारा क्योंकि हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो हमारा जो फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो बेसिक टर्म्स से रिलेटेड ही है, ठीक है. आप पहले उनको क्लियर कीजिए. वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है. सबसे पहले इसमें हमारे पास टर्म आती हैं डायरेक्टेड लाइन. डायरेक्टेड लाइन क्या होती है सबसे पहले हमें समझना चाहिए. हमें यह देखना पड़ेगा कि लाइन क्या होता है, क्योंकि लाइन के बारे में हम 9th क्लास में या 10th क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ के आ चुके होते हैं. तो अब लाइन के साथ हमारे पास आ गया कि डायरेक्टेड लाइन क्या है. थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है. लेट एल बी ए लाइन इन प्लेन और थ्री डायमेंशनल स्पेस. लेट हमारे पास एक लाइन है इन प्लेन आर थ्री डायमेंशनल स्पेस. दिस लाइन कैन बी गिवन टू डायरेक्शंस by means of arrowhead. ठीक है. The line with one of these two direction prescribed कि उन दोनों directions में से एक direction, ठीक है, हो विद लाइन एंड द लाइन विद वन ऑफ दीज, उन दोनों में से एक हो, इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड लाइन. उसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन. ठीक है, देखिए ये है, ये जो एरो है ये हमें
लाइन तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो एरो हेड्स हैं ये हमें बताते हैं कि ये डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है। अब लाइन क्या है, एक्सटेंड इनफाइनाइटली, ठीक है। हम लोअर स्टैंडर्ड में डिफरेंट डिफरेंट वे से या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बहुत डिटेल में इनको पढ़ के आते हैं कि क्या है। जब ये वाले इंडिकेशन आ जाए, ये वाले एरो हो लाइन के साथ, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक डायरेक्टेड लाइन है। ये हमारे पास फर्स्ट जो है पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, फर्स्ट वो कंसेप्ट कंसेप्चुअल पॉइंट है जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज वेक्टर। quantity having magnitude as well as direction. Is called as vector, ठीक है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, वो हमारे लिए क्या, उसको हम बोलते हैं कि वो एक वैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल ए बी, ठीक है, ए बी हमारे पास हैविंग टू फिक्स पॉइंट, तो एक लाइन सेगमेंट है। ए बी इज ए वेक्टर ठीक है एंड इज डिनोटेड बाय ए बी वैक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ए और ए अब हमारे पास वैक्टर को समझने के बाद आता है टाइप्स ऑफ वैक्टर। सबसे पहले मेरे पास आता है या हमारे पास आता है जीरो वेक्टर्स। वेक्टर हुज इनिशियल ठीक है एंड टर्मिनल एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हैं, आर कोइंसाइड इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। इसका कोई डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड नहीं होता, नो डेफिनेट डायरेक्शन एंड कोई डेफिनेट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ठीक है।
ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, या हम ऐसे कहें ए ए वेक्टर बी बी वेक्टर्स आर ये हमारे पास क्या है जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है वो आपस में कोइंसाइड हो जाते हैं, ठीक है, उसका कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड नहीं होता है बेटे। ए ए बी बी सी सी ये उसके क्या हैं, कुछ इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जीरो वेक्टर के आपके पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बड़ा, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। The vector whose magnitude is one unit, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन यूनिट होती है। नंबर थ्री, कोइनिशनल वेक्टर, टू आर मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, जिस दो या दो से ज्यादा वेक्टर और उनका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है अगर सेम है, ठीक है, आर कॉल्ड एज